आप देख रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी का मैथमेटिक्स चैनल, जिसमें क्लास 12th एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रल टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से इंटीग्रेट होगा। लेट द इंटीग्रल बी इक्वल टू आई 1 अपॉन, क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ये साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा भी हो सकता है, कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा हो सकता है, कॉस क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा हो सकता है। एक ही तरह के क्वेश्चन चार अलग अलग रूपों में पूछे जा सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स प्लस अल्फा का एक्सपेंशन, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। आसान सा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, डीएक्स इंटीग्रल डीएक्स अपॉन वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइन क्यूब एक्स एज इट इज, साइन एक्स इसमें से कॉमन ले लें, साइन एक्स कॉमन, देन द ब्रैकेट विल हैव कॉस अल्फा प्लस, यहां साइन एक्स मिसिंग है इसलिए साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा का डिनोमिनेटर होगा कॉस साइन एक्स। इंटीग्रल डीएक्स अपॉन, ये देखिए आप, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 4, बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट विल हैव कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कैन बी रिटन एज कॉट एक्स। नाउ वी शैल सब्स्टिट्यूट दिस होल एक्सप्रेशन, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको टी रख देंगे, क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स डीएक्स। अब हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो देखिए टी कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स डी टी बाई डी एक्स। कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन जीरो, बिल्कुल बिना चिंता किए हुए, क्यों, क्योंकि यहां एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, एक्स इज द ओनली वेरिएबल, तो कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन जीरो, साइन अल्फा बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आप इसको लिख पाएंगे डी टी अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी टी अपॉन साइन अल्फा लिख दे, डी टी अपॉन साइन अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में केवल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इस माइनस को भी आप यहां भेज दें तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा, देयरफॉर द इंटीग्रल आई विल बी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे इससे माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा अपॉन रूट टी इज इक्वल टू माइनस, इस साइन अल्फा को आप चाहें तो ऊपर ले लें तो हो जाएगा कोसेक अल्फा, रूट टी को भी आप ऊपर उठा लें टी टू द पावर माइनस वन बाय टू डी टी इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको सिंप्लीफाई करें, वन माइनस वन बाय टू इज वन बाय टू, वन बाय टू अपॉन में है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टू कोसेक अल्फा इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन, वन माइनस वन बाय टू इज वॉट वन बाय टू इंटू टी टू द पावर वन बाय टू प्लस सी,
और अब आपको वैल्यू रखना है टी का, तो जब आप टी का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू कोसेक अल्फा इनटू वैल्यू ऑफ टी, टी इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन, दिस वैल्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉटेक्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉटेक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर वन बाय टू और वन बाय टू का मतलब है स्क्वायर रूट प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. अच्छा सवाल है, इससे मिलते जुलते सवाल भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए सो दैट यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ. इससे मिलते जुलते चार इसी तरह के सवाल है. पहला सवाल क्वेश्चन है वन अपॉन साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा, माइनस भी कर सकते हैं आप दोनों के लिए सेम टेक्निक. बी वन अपॉन कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस भी कर सकते हैं और कॉस भी रख सकते हैं. इसी तरीके से अगला सवाल भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला कॉस रख के यहां साइन रख दें और मुझे लिख भेजें कि आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करने में मदद मिली. अपने विचार जरूर लिखिए, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. विश यू ऑल द बेस्ट.